सबसे ज्यादा इंस्पायर जिन्होंने किया वो थे मेरे टीचर, या मैं कहूँगी मेरे प्रोफेसर केमिस्ट्री के, जिनका नाम था मिस्टर अनिल खंडूरी। मसूरी में उन्होंने मुझे पढ़ाया था। जब तक मैं क्लास 12th में थी फ्रेंड्स, मुझे केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है या कार्बन इज टेट्रावेलेंट, मुझे नहीं पता था। मेरे लिए तो सिर्फ मैथ्स ही था 12th तक, बिकॉज मैथ्स मेरे टीचर थे मिस्टर एस सी राउत, उन्होंने मैथ्स से मुझे बहुत प्यार करा दिया था। तो मैं 12th तक बस मैथ्स 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 एंड आई लव मैथ्स यही चलता था। बट जैसे ही मैं बैचलर्स में आई, मुझे जो टीचर मिले मिस्टर अनिल खंडूरी, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर किया सब्जेक्ट को लेकर, उसकी चीज़ें बताई कि क्या क्या उसकी एप्लीकेशन है, कैसे उसकी हमारी ज़िंदगी से कोरिलेशन है। तो मैंने तो बस ये फैसला कर लिया कि बस अब तो मास्टर्स बैचलर्स जो भी करना है सब केमिस्ट्री में ही करना है, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री से सच में लिटरली मोहब्बत हो गई। मुझे उसकी एक एक शब्द, मेरे को ऐसा लगता था कि वाह वाह, इट वॉज लाइक वाओ मोमेंट फॉर मी वेंस एवर मैं केमिस्ट्री की बुक पढ़ती थी या केमिस्ट्री पढ़ती थी। तो मैं उसको लाइफ से कोरिलेट कर पा रही थी। मुझे सर ने ऐसा भी बोला था कि जैसे जो केमिस्ट्री के एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत ही तो कर रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में प्यार करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में प्यार करते हैं और लड़ाइयाँ करते हैं। तो इस चीज़ से मुझे सच में, मैं अपनी लाइफ से केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर पाई, और मेरे लिए केमिस्ट्री इज़ लाइक लव। तो उसके बाद फिर मैंने फैसला लिया कि मैं मास्टर्स करूँगी। मास्टर्स में भी मुझे काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले। फिर मैं अपनी स्टडीज़ को हाइयर परस्यू करने के लिए दिल्ली गई। दिल्ली में मुझे जो टीचर मिले, आई एम टेलिंग यू, मतलब उन जैसे, वहाँ पे जाके मेरे लिए इट वॉज समथिंग एक्सट्रीमली डिफरेंट। वहाँ पे मुझे एक टीचर मिले जिनसे मैं सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई, वो थे मिस्टर सहेंद्र सर, सहेंद्र कुमार। ही इज सम, मैं बता नहीं सकती, मतलब इतना ब्यूटीफुली वो चीज़ों को पढ़ाते हैं, इतना इंस्पायर करते हैं, आपके अंदर के कहते हैं ना आत्मा को जगा देते, सब्जेक्ट से मोहब्बत करा देंगे, जोश इतना दिलाएंगे आपको कि आपको लगेगा बस अब तो करना है या मरना है, नो मैटर वॉट। तो दिल्ली में जाके मैंने 18 से 20 घंटे पर डे पढ़ाई करी, और मुझे मतलब इट्स नॉट लाइक कि पढ़ना चाहिए इतना, वो ज़्यादा हमें पता नहीं था कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, बट द थिंग इज कि टीचर्स ने इतना इंस्पायर किया, वो खुद 18-18 घंटे 16-16 घंटे नॉन स्टॉप क्लासेस लेते थे, तो हमें उनको देख देख के बहुत एनर्जी आती थी, यार वाओ दिस इज व्हाट वी कॉल स्टडीज। फिर केमिस्ट्री से मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। और सहेंद्र सर ने मुझे एक बात बोली थी कि बेटा पढ़ना अकेले नहीं है, खुद के पास नहीं रखना, ज्ञान को बांटो। क्यों तुम दिल्ली आते हो, क्यों यहाँ पे इतना प्रेशर बढ़ा रहे हो, इतना क्रश, इतना सॉरी, इतने सारे लोग आ रहे हैं साथ में, तो इतना ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्यों तुम अपनी जगह पे कोचिंग्स खोलो, अपनी जगह पे बच्चों को पढ़ाओ, क्यों इतने दूर दूर से बच्चे अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट करते हैं, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं। तो वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि तुम पढ़ो और पढ़ाई को आगे बढ़ाओ, तुम लीडर्स हो और लीडर्स को खड़े करो, जहाँ तुम खड़े हो तुम अपने पास मत रखो ज्ञान, ज्ञान को बांटो, एक दिन ऐसा आएगा तुमने मर जाना है, सबने मर जाना है, तो उस ज्ञान को अपने पास रख के क्या फायदा, जो भी सीखा है उसको आगे सिखाओ, बढ़ाओ, सबको ऊपर लेकर जाओ, एवरीवन, हर एक को हक है पढ़ने का, गांव गांव कस्बा हर जगह पे। कई लोग ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली वीक है, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है खाने को, यार वो पढ़ाई में कैसे लगाएंगे। तो वहां से मुझे ये इंस्पिरेशन मिली कि हाँ मुझे बच्चों को पढ़ाना है। जो दिक्कतें, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या जो भी चीज़ें हम लोगों ने फेस करी एज अ स्टूडेंट, या जो मिसगाइडेंस हम लोगों ने फेस करी, वो हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर जनरेशन नहीं फेस करेगा, ये हमारा अपने आप से खुद से वादा है। सो वहां से मुझे सर ने इतना इंस्पायर किया कि मैंने ये सोचा कि आई वॉन्ट टू बी एन एजुकेटर, एंड जो समस्या मैंने फेस करी वो मेरे बच्चे फेस नहीं करेंगे, उनको स्टडीज उनके घर पे मिलेगी। तो उसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी सोचा यार कैसे मैं हेल्प कर सकूं, क्यों मैं नहीं बच्चों से बहुत ज़्यादा चार्ज करके उन बच्चों को पढ़ाना चाहती, कि जो बच्चे बेचारे यार खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा बहुत पैसा कमा के ला रहे हैं कि यार थोड़ा बहुत घर चल जाए, वो कैसे 1,00,000 रुपये तुम्हें फीस देंगे, कैसे वो इतना कुछ करेंगे। सो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं जुड़ी अनअकैडमी से। अनअकैडमी में लाइव
टीचिंग्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं. आई एम एन अल अकेडमी एजुकेटर. फ्रेंड्स, माय नेम इज दिव्या अग्रवाल एंड आई टीच केमिस्ट्री फॉर आईटी जैम कैटेगरी. ऑल्दो मैं केमिस्ट्री आईटी जैम हो, गेट हो, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ हो, बार, डीआरडीओ, इवन 12th, 11th, आईटी जेई नीड्स एडवांस जो भी है, सबके लिए आई टीच केमिस्ट्री बिकॉज आई लव केमिस्ट्री. मैं सब्जेक्ट को कॉम्पिटिशन क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ाती, मैं सिर्फ सब्जेक्ट को समझाने के लिए पढ़ाती हूँ. आई वॉन्ट कि बच्चे केमिस्ट्री से प्यार करें, उससे भागे ना, उसे रटे ना. कई टीचर्स ने इतना मिसगाइड किया हुआ है केमिस्ट्री को कि सिर्फ रटना है. नहीं रटना, कुछ नहीं रटना, आपको सिर्फ चीजों को समझना है. सो जब मैं अनअकैडमी से जुड़ी तो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली कि लाखों करोड़ों लोग जो कि बहुत ही डिप्राइव्ड एरिया से बोल सकते हैं आप, या फिर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, वो कितना हेल्प ले सकते हैं. इंटरनेट अगर आप एक मंथ 3 मंथ्स के लिए 300 में मिल जाता है, मतलब पर डे आपको एक महीने का 100 रुपीज में आप सिर्फ इंटरनेट लो और आपको आपके एजुकेटर्स घर पे पढ़ाएंगे. आपके पास बस फोन होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट होना चाहिए. आप पढ़ो, आपको पढ़ने का हक है. तो हम एज एन अकेडमियन अनअकैडमी पे हम सबके सबका यही मोटो है, यही लक्ष्य है कि हर बच्चे तक हमारी आवाज पहुंचे. हर एक को पढ़ने का हक है, हर एक बच्चा पढ़े और बहुत ऊपर जाए, तभी हम इंडिया को बहुत ऊपर रेज कर सकते हैं. अगर मैं सिर्फ पढ़ के अपने पास उस ज्ञान को रखूंगी, आप सिर्फ पढ़ के अपने पास उस ज्ञान को रखोगे, कुछ नहीं होगा, एक दिन खत्म हो जाएगा. ज्ञान बांटने से बढ़ता है, एक दिन मर जाओगे, ज्ञान भी साथ में मर जाएगा. जो आता है उसे आगे बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, उनको जरूरत है. जिनके पास पैसा है, जिनके पास बहुत मनी है, उनको नहीं भी पढ़ाना, नहीं भी पढ़ना चाहते, वो इट्स ओके, दे हैव देयर ओन व्हाट्स एवर दे फील लाइक. बट द थिंग इज कि इस कंट्री में बच्चों को हमारी जरूरत है और ये हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारी ओथ कह लो आप, या फिर ये हमारा फर्ज बनता है एज अ स्टूडेंट और एज एन एजुकेटर कि हम लीडर्स तैयार करें. सिर्फ हम ही ना, हर कोई पढ़े, हर इंडिया का, वर्ल्ड का हर कोने में हर इंसान पढ़े. और इस वजह से वो ना पढ़, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास पैसे नहीं है इस वजह से नहीं वो पढ़ पा रहा, या उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर कोई और वो फैमिली से दूर नहीं रह सकता इसलिए वो दिल्ली ना जा पाए, या फिर वो कोटा ना जा पाए. नहीं, हम उनको उसके घर पे आके पढ़ाएंगे. मिनिमम 90% तो अनअकैडमी फ्री है. 90% चीजें आप अनअकैडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो. सिर्फ 10% चीजें जिनका थोड़ा सा उन्होंने, सिर्फ वो जो इंटरनेट का खर्चा होता है और जो बाकी की सैलरी वगैरह, उस चीज के लिए थोड़ा सा उन्होंने चार्ज करा है. अगर कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेगा तो, अगर प्लस नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है. स्पेशल क्लासेस हैं, रोज लाइव आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. कुछ नहीं करना, ऐप डाउनलोड करो अनअकैडमी का और उसमें जिस भी एजुकेटर को जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है फॉलो करो, एनरोल करो उसके कोर्सेज के लिए, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव आओ उनके साथ. कोई जरूरत नहीं है कहीं पे भी मनी की वजह से, पैसे की वजह से ना पढ़ने की, आगे ना पढ़ने की. तुम सबको हक है पढ़ने का. यू ऑल हैव केपेबिलिटी एंड यू कैन विन द वर्ल्ड. तो पढ़ाई जैसी चीज, विद्या एक ऐसी चीज है जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते थे. मतलब इट्स नॉट एट ऑल टू बी चार्ज, वो कभी चार्ज होनी भी नहीं चाहिए. ज्ञान है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है. हमारा हाथ हमेशा ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए. ऑलवेज यू शुड गिव. तो अगर आपको पढ़ना है मेरे साथ, मेरे जैसे और भी एजुकेटर्स के साथ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे. अनअकैडमी में मेरा, मैं सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अनअकैडमी में आई टीच लाइव फॉर आईटी जैम कैटेगरी फ्रेंड्स. एंड आईटी जैम ही नहीं, मैं केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ाती हूँ जो कि गेट, नेट, टिफर, बार, डीआरडीओ, इवन अगर कोई क्लास 11th 12th का स्टूडेंट देखना चाहे, IITJ नीट या एडवांस का स्टूडेंट देखना चाहे, सबके लिए अवेलेबिलिटी है. मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ. सो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने एंड्रॉयड फोन में थोड़ा सा हिस्सा अनअकैडमी ऐप के लिए रखिए और उस ऐप में आपको मुझे फॉलो करना है. माई नेम इज दिव्या अग्रवाल. फॉलो करने के बाद मेरे जितने भी कोर्सेज हैं सबको जस्ट एक सिंगल क्लिक से एनरोल करना है. उसके सारे PDFs, उसके सारे के सारा डेटा, उसके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे. फिर अगर आप और डिटेल में चाहते हो चीजें, तो आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, बट दैट इज योर चॉइस. आई विल नेवर इंसिस्ट यू कि आप सब्सक्रिप्शन लो, दैट इज योर विश.
अगर आपको कोर्सेज पसंद आए और डेप्थ में चाहिए तो आप ले सकते हो, आपको जितना मिल रहा है उतना काफी है, तो इट्स योर विश। आई एम विद यू एंड नॉट ओनली आई, वी ऑल एट एन अकेडमी आर विद यू फ्रेंड्स। सो आपको हमको सबको मिलके ऊपर जाना, इंडिया को ऊपर लेके जाना। दिस इज अ मिशन वेयर वी वॉन्ट इंडिया टू राइज, जहां पे हर एक बच्चा पढ़ेगा और हर एक को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई मिलेगी और हर एग्जाम वो क्रैक करेगा, करता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा, कोई भी पैसे की वजह से या अपनी जगह की वजह से पीछे नहीं रहेगा। ये हमारा आपसे वादा है। सो इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट, प्लीज डाउनलोड अन अकेडमी ऐप एंड फॉलो मी राइट देयर। बाय बाय।